आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी की तपिश बिहार की सियासत में भी महसूस की जा रही है। योगी जी की वजह से बिहार में जंग क्यों छिड़ गई है, ये जानने से पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झुककर और हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। नजारा योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का है। तस्वीरें तो आपने देख ली, अब जरा आप ये ऑडियो क्लिप को सुनिए। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। जी हाँ, इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज आ रही है वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की है और ये साल 2013 का ऑडियो है। दरअसल 2013 में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद सीएम नीतीश ने विधानसभा में जो भाषण दिया था, ये उसी भाषण का एक अंश है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। दरअसल वर्षों पुराना सीएम का ये ऑडियो एक बार फिर से वायरल किया जा रहा है। आरजेडी ने ट्विटर के जरिए सीएम नीतीश पर तंज किया है। नीतीश और प्रधानमंत्री की तस्वीर और साथ ही नीतीश कुमार का विधानसभा में दिए गए भाषण को ट्वीट करते हुए आरजेडी ने लिखा है कि अगली बार प्रधानमंत्री के सामने साष्टांग झुककर पैर छूते भी मिल जाएंगे तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसे लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने भी सीएम नीतीश पर खूब कटाक्ष किया है। तुसी ग्रेट हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने बिहार के सर को नीचे कर दिया, ये तो बहुत ही, और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप कुछ हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तुसी मुख्यमंत्री साबित कर दिया कि आप अपने पद के लिए, अपने कुर्सी के लिए आप कहीं भी झुक सकते हैं, ये साबित है। विचारधारा अगेंस्ट विचारधारा के साथ झुकते हुए मुख्यमंत्री जी नजर आ रहे हैं, मतलब आरएसएस के सामने झुक रहे हैं। कहीं ना कहीं झुक तो रहे ही। ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम कि बिहार को झुका दिए? बिहार को नहीं झुका है क्योंकि विपक्ष यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन उस विचारधारा को, जिस विचारधारा के वो समर्थक है, वो उन्होंने प्रदर्शित किया, मतलब समाजवादी विचारधारा को आज उन्होंने झुका दिया। हाँ, वो उनकी कथनी और करनी में फर्क है, समाजवादी विचारधारा की व्यक्ति नहीं है वो, उन्होंने साबित कर दिया। कभी कभी नरेंद्र मोदी जी के नौता को ठुकरा दिए थे तो उन्होंने तो जातीय जनगणना भी नहीं कराया, कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ। ये सभी कथन, तो जो कथनी और करनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन बाबू की सरकार में, तो ये सब चीज अपनी कथनी से ही डिफरेंट नजर आते हैं माननीय मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। जेडीयू नेता सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। अब इससे विपक्ष के लोगों को टीस लग रही है। अरे, विपक्षी दल क्या समझ पाएंगे जिन्होंने हमेशा संस्कारहीन राजनीति ही की है। इनके पास तो ना आचार है, ना विचार है और ना व्यवहार है। राजद में तो आए दिन देखा जाता है कि किस तरह से प्रदेश के अध्यक्ष जगदा बाबू को अपमानित होना पड़ता है या अन्य सीनियर नेताओं को भी अपमानित होना पड़ता है। जो लोग अपने परिवार में, अपनी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन और शिष्टाचार मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो भला नीतीश कुमार जी की ऐसी छवि, उनके ऐसे शिष्टाचार को क्या समझेंगे। ऐसे लोगों को कटाक्ष करने दीजिए। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी पर भरोसा करती है। आदमी दूसरे बड़े आदमी का सम्मान किया है, इसमें ऊंचे नीचे की भावना, जाकी रही भावना जैसी, ये कोई बात नहीं। भारत बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को नमस्कार किए हैं, प्रणाम किए हैं, इसमें राजनीति कहाँ है। देशवा न्यूज के लिए पटना से रंजीत सम्राट के साथ राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।